एक कटोरी दलिया लेंगे, उसे कटोरी हम टमाटर लेंगे जैसे हमने छोटा छोटा काट लिया, एक शिमला मिर्च लेंगे जैसे छोटा छोटा काट के रखा है, बीन्स लिए हैं कुछ उसे काट के रख लिया है, एक बड़ा प्याज कटा हुआ लेंगे, एक खीरा कटा हुआ जिसे हमने छोटा छोटा काट के रखा है, एक गाजर लिए जिसे मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया है, एक पिंच अदरक लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, मैंने दो ग्रीन चिली लिए जिसे छोटा छोटा बारीक काट लिया, और हमें गार्लिक लिया है जिसे पहले से हमने काट के रखा है। चलो गाइस, जब हम दलिया बना रहे हैं आपको ये कैसी रेसिपी लगेगी तो ज़रूर बताना। अब हम पैन में एक चम्मच घी लेंगे, एक कटोरी दलिया लेंगे और इसे हम हल्का हल्का हल्की गैस पे फ्राई करेंगे, रोस्ट करते हुए इसे चलाते रहेंगे जब तक कि हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए। हमारा दलिया भुन के तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, आधा टेबलस्पून जीरा डालेंगे, गार्लिक कटा हुआ डालेंगे जो हमने लहसुन पहले से काट के रखा हुआ था, अदरक डालेंगे कटा हुआ, ऐसे हम हल्की गैस पे इसे फ्राई करेंगे, हल्का हल्का चलाते हुए इसे ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। अब कटा हुआ हम प्याज डालेंगे, प्याज डालने के बाद अब इसे हम हल्का हल्का फिर से चलाएंगे, जब ये अपना कलर छोड़ने लगे तो अब हम इसमें कटा हुआ जो पहले से ही टमाटर रखा था वो डालेंगे। अब हम इसे हल्का हल्का फिर से भूनेंगे। अब कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और फिर से चलाते हुए इसे भूनेंगे। हमने आधी टेबलस्पून हींग डाली है, उसके बाद हम फिर से इसे चला देंगे, स्लो गैस पे ही भूनना है दोस्तों। अब हमने कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, कटी हुई बीन्स, आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो, जो आपको सब्जी अच्छी नहीं लगती है वो आप स्किप भी कर सकते हो, और कटी हुई गाजर डाल दिए, आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हो। ये मैंने कटा हुआ खीरा डाला है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम हल्का हल्का इसे फ्राई करेंगे, हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, आधा टेबलस्पून हम लाल मिर्ची डालेंगे, अपने नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, और इसे फिर हल्का सा चलाएंगे। उसके बाद हमने जो रोस्ट करके दलिया रखा था वो दलिया डालेंगे। दलिया डालने के बाद अब इसे सभी को चलाते हुए मिक्स करेंगे। दोस्तों ये आपको दलिया बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमने इसमें देगी मिर्च डाली है आधी टेबलस्पून, उसके बाद हम आधा नींबू निचोड़ कर डालें, इससे क्या है दलिया खिला खिला बनता है। अब हम इसे हल्का हल्का फिर से चलाएंगे। अब इसके बाद हम पानी डालेंगे। दोस्तों पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, अगर आपको दलिया ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप पानी थोड़ा डालें, अगर पतला पतला चाहिए तो आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हो। मुझे थोड़ा पतला पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। अब हम इसे ढक्कन से पका के रख दिया था, और देखो कितना प्यारा कलर आया है। आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये दलिया आपको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। ये दलिया बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे बच्चे भी बड़े मनपसंद से खाते हैं, क्योंकि सभी सब्जियां मिक्स हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप किसी को भी अच्छा सही बना के खिला सकते हैं, बड़ों और छोटों को भी, सभी बड़े प्यार से खाएंगे। अब हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है। अब हमारा दलिया बन के तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में डालेंगे और सर्व करेंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको आगे से कौन सी रेसिपी हमारी देखनी है, तो हम आपके लिए नई रेसिपी ज़रूर लेके आएंगे। दोस्तों आपका सहयोग ही
हमारा आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों आप हमें लाइक और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें।